नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। पिछले रात मासूम बच्चे और उनके माँ की मर्डर हुआ बल्कि सुना है, जो एक फादर ने डबल मर्डर केस को लेकर सुनने को आया है, जिसका क्या सामने निकल के आया है जांच पड़ताल में। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा सुनने को आया है कि एक पिताजी ने एक माँ और उनके बेटे का हत्या हुआ है, तो इसलिए इस पर जानने के लिए आया सर। यस, आज सुबह 6 बजे को हमारा पुलिस स्टेशन ओसी साहब को कॉल आता है और ये खबर आता है कि ट्विन मर्डर केस हो गया है लोंगडिंग टाउन में। तो अकॉर्डिंगली हमारा ओसी इंस्पेक्टर तुकुत कोन्या विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्री विनी शिवाजी के साथ में टीम, पुलिस स्टेशन का जो टीम है वो प्लेस ऑफ अकरेंस जो कि हमारा लोअर स्कूल कॉलोनी लोंगडिंग, लोअर स्कूल कॉलोनी लोंगडिंग में जाता है, और जाने के साथ साथ उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे एक बेबी और उसके और एक उसके माँ एक लेडी का बॉडी पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली वो बेबी और उसके बॉडी को रिकवर करने के बाद एक्यूज फरार हो रहा था। उसका 2 बच्चा और था, 2 सन था, एक 6 साल का और एक 5 साल का, उसको लेके वो फरार होने ही वाला था। तो हमारा उसी साहब का टीम ने उसको दबोच लिया और अरेस्ट कर लिया। तो ये है सुबह, आज सुबह का घटना। तो सर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? अभी तक हमारा जो लोंगडिंग पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है, केस नंबर 40/24 अंडर सेक्शन 103 BNS के तहत, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, हम लोग ने सबसे पहले वेपन्स ऑफ ऑफेंस जो एक दाव है और एक स्पेड है उसको सीज किया है, और कुछ क्लोथ्स जहाँ पे ब्लड सैंपल है तो उसे सीज किया गया है, और जो मेन एक्यूज है, जो पति है, तो उसको अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करके इंट्रोगेशन में अभी ये पता चल रहा है कि उसका मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ अभी उतना स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग को इसका मोटिव्स, मारने का जो मोटिव्स है, तो उस तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाया है। और जो फर्दर विटनेस लोग को एग्जामिनेशन करेगा और उसका परिवार का लोग को एग्जामिनेशन करेगा तभी क्लियरिटी आएगा, लेकिन अभी तक का ये अपडेट है कि उसका अभी वो कोई भी आंसर को सही जवाब देने में कैपेबल नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है। तो ऑब्वियसली जब अपना वाइफ और बच्चा को, 5 महीना का बच्चा को मारने का बात, तो एक्यूज हो या कोई भी हो, उसका मेंटल स्टेटस तो मतलब उतना स्टेबल नहीं होगा। तो हम लोग को ये 1-2 दिन और लगेगा इसका एग्जैक्ट मोटिव और इसका मेंटल स्टेटस कैसा है पता चलने के लिए। तो फर्दर कोरोबोरेशन का अभी दरकार है इस केस में। एग्जैक्टली इनका फैमिली में कितने लड़के बच्चे होंगे सर? एक्चुअली 3 बेटा था, एक 6 साल का, एक 5 साल का और ये 5 महीना का बेबी था। तो ये 3 बेटा और उसका वाइफ सो रहा था, तो मेरा करीब करीब रात का 1 से 2 बजे का बीच में इन्होंने ये मतलब अनफॉर्चुनेट और बहुत बारबारिक एक्ट किया है। तो एक 5 महीना का बच्चा और उसके माँ को मर्डर कर दिया। इनका फैमिली की तरफ से कुछ क्या कहना है सर? कुछ अभी तक फैमिली मेंबर आगे आके कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो लोग कल आएंगे और वो पूरा अपना तरफ से जो भी उन लोग का स्टेटमेंट है हम लोग रिकॉर्ड करेगा और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली हम लोग लिया गया। तो सर सेक्स रैकेट केस का क्या अपडेट है सर? हाँ, उसमें अभी हम लोग 8 लोग को अरेस्ट कर लिया है रिसेंटली और 2 लोग को उठाया है, और उसमें जो अभी तक उभर के आ रहा है कि वो लोग प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स रैकेट चला रहा था। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का कुछ काफ़ी विक्टिम जो अभी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी
और हमारा पुलिस टीम का मेहनत से वो लोग सामने आ रहा है और अपना स्टेटमेंट दर्ज कर रहा है। अकॉर्डिंगली हम लोग जितना भी बेस और एविडेंस हम लोग अरेस्ट कर रहा है, अभी तक अरेस्ट का नंबर जो 8 हो गया है, उसमें से जो दुकान खोल के रखा था छाया दुलम, डेविड दुलम और राहुल तापा ओब्लिक राहुल गुरु, उसको हम लोग एक्चुअली 24 आवर्स के अंदर हम लोग पकड़ लिया था जैसे ही केस रिपोर्ट हुआ है। तो इसके साथ साथ में हम लोग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत था और एविडेंस कलेक्शन का बहुत दरकार था, तो हम लोग एविडेंस कलेक्शन और फर्दर अरेस्ट में मेन हंस में लग गया। तो अभी हम लोग जाते जाते 8 लोग को अरेस्ट किया है। तो सर कौन कौन अरेस्ट किया गया है थोड़ा बता दीजिए। अरेस्टी का डिटेल इस प्रकार है, सबसे पहले श्रीमती छाया दुलम 45 इयर्स एज, वाइफ ऑफ श्री डेविड ओब्लिक तिरकी दुलम, विलेज दुलम, POPS दापोरिजो अपर सुबनसिरी, और वो एक फीमेल अटेंडेंट है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर। और इसके बाद फिर श्री डेविड ओब्लिक तिरकी दुलम जो 34 इयर्स का है, सन ऑफ लेट तातर दुलम, विलेज दुलम, POPS दापोरिजो अपर सुबनसिरी, वो भी एक सुपरवाइजर है WRD डिपार्टमेंट में। और इसके बाद श्री राहुल गुरुंग ओब्लिक राहुल तापा एज 26 इयर्स, सन ऑफ लेट राजू तापा, विलेज नियर हारमोटी टी स्थित, POPS लालुक, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ लखीमपुर असम। तो प्रेजेंटली वो RP गेट चिंपू ईटानगर में एड्रेस है उनका, और वो एक जो रेस्टोरेंट में काम करने वाला बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। इसके बाद एक अमरिंद्र कुमार साहब 30 इयर्स का एज है, सन ऑफ राजेंद्र साहब, विलेज बरिया, POPS केसरिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण बिहार। तो वो एक CCTV मैकेनिक ऑब्लिक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, जिसको विक्टिम लोगों ने अपने आइडेंटिफाई किया कि वो भी एक्सेलेंट था, जो विक्टिम लोग का साथ में जो जबरदस्ती करने में वो उसका भी रोल था। इसके बाद फिर दूसरा जो दाली तगियो 39 इयर्स ले तारो तगियो का पिताजी का नाम, विलेज रिचू क्रोम, पीओ बाना, PS सेपा, ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, उनको भी एक एक्सेलेंट का रूप में आइडेंटिफाई किया है हम लोग ने और विक्टिम भी आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद फिर करना दास 36 इयर्स, सन ऑफ राजेंद्र शाह, विलेज बरिया, POPS केसरिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण बिहार, वो भी एक CCTV सेलर है और उनको भी एक एक्सेलेंट का रूप में आइडेंटिफाई किया है। और श्री सुमन ओब्लिक लीला सोना, सन ऑफ श्रीलाल सोनारी, विलेज बगर पात्र, PO बालीजान, PS गोपुर, डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ असम, तो उनको भी एक्सेलेंट का रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और लास्टली संजय कुमार शर्मा 37 इयर्स ओल्ड, सन ऑफ बेचान शर्मा, तरसारी विलेज, PO तरसारे, PS सदर दरभंगा बिहार, प्रेजेंट एड्रेस है कैंप विवेक बिहार नियर अरुणादया स्कूल ईटानगर, तो उनको भी एक एक्सेलेंट के रूप में आइडेंटिफाई किया है। ये 8 जन को अभी तक अरेस्टेड है और केस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, और अभी अगर आने वाला समय में हमको और क्लियर पिक्चर मिलेगा और अरेस्ट होगा, और केस में काफ़ी काम बाकी है। अभी हमारा जो उस PO से जो रेस्टोरेंट जहाँ पे रैकेट चलाता था वहाँ से हम लोग ने CCTV का जो DVR वगैरह सीज किया है, तो उसको FSL भेजा हुआ है, तो वहाँ से अगर हमें कोई किसी का आइडेंटिफिकेशन क्लियर मिलता है, किसी का पिक्चर क्लियर आता है और हमको और कोई सबूत मिलता है कि इसमें कोई और दूसरा तीसरा कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, वो चाहे किसी भी पद का हो या किसी भी स्टेटस का हो। तो हमारा टीम अभी इसमें ज़ोरदार काम कर रहा है। और दूसरा जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लॉन्गडिंग है, और लॉन्गडिंग के जितना कम्युनिटी बेस्ड NGOs है वो भी
इस केस का पीछे बहुत मेहनत कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। इवन स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन उन्होंने स्टेटस मांगा है, हम उन्हें स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है और वो लोग भी केस को मॉनिटर कर रहा है। इवन अपसू का वुमेन विंग लोग भी इस केस में फॉलो अप किया है, वो भी अभी इस केस का अपडेट मांगा है, हम लोग ने उस केस का अपडेट दिया हुआ है। तो इस केस में पूरा सीबीओस ओवरऑल सबका मेहनत है और सब का सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे पिक्चर और क्लियर होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा और इसमें काम करेगा और हम जल्द ही चार्जशीट भी फाइल करेंगे। जैसे केस में लॉजिकल एक रीजनेबल कंक्लूजन हमें मिलता है तो हम चार्जशीट भी जल्दी दाखिल करेंगे और एश्योर करता हूँ कि इसमें भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर, विक्टिम्स लड़कियाँ जो सिर्फ दमदिंग से पाया गया है या अरुणाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी पाया गया है या और भी अलग स्टेट से कोई मिला है सर अभी तक? एक्चुअल जो स्टार्टिंग है जो ये रैकेट का अभी जैसे पर्दाफाश हुआ है तो वो अलग अलग अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट से विक्टिम लोग था बोल के बैठाया है, तो लेकिन उन विक्टिम को हम लोग रिकवर नहीं कर पाया और वो लोग काफ़ी ग्रोन अप हो गया और काफ़ी पुराना हो गया तो उनको ट्रेस आउट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये रैकेट में ऐसा नहीं है कि खाली लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का है, तो एक्चुअली ये रैकेट में बाहर डिस्ट्रिक्ट का भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व था और इसमें सिर्फ माइनर्स लोग का रैकेट था बोल के भी नहीं है, ये भी एक गलत कम्युनिकेशन होगा या इंफॉर्मेशन होगा। इसमें माइनर्स प्लस मेजर भी शामिल था और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से इसमें शामिल था जैसे जैसे कहानी उभर के आ रहा है। लेकिन हम लोग का मेन कंसर्न इस केस में है कि लॉन्गडिंग से जो माइनर्स को इलीगल ट्राफिकिंग करके जो बहला फुसला के पैसा दे के रेस्टोरेंट में काम कराएगा बोल के सेक्स रैकेट में धकेल देना, ये हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इसी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। हम कहानी को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करते हुए इसी पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन करके और हमारा केस रजिस्ट्रेशन में भी इसी में ही है और हम इसी में ही जोरदार काम कर रहा है। सर, कितना महीना से चला रहे थे सेक्स रैकेट जो कुछ पता चला? एज पर दी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और जो एक्यूज का स्टेटमेंट का हिसाब से ये 2017 से रेस्टोरेंट चला रहा है 16-17 से और सेक्स रैकेट भी लगभग 1920 से चला रहा है एक्यूज का जैसे स्टेटमेंट आया है। तो काफ़ी पुराना ये रेस्टोरेंट और पुराना दुकान है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ माइनर्स लोग को ट्रैफिकिंग करके वहाँ पे काम करवाया तो इसी में उनका इशू निकाल गया और हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट करके पर्दाफाश करने में कामयाब हुआ है।